कभी पतिव्रता तो कभी सावित्री तो कभी कुछ और नाम। अपने देश में लड़कियों को ऐसी ही उपाधियों से नवाजा जाता है। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, जैसे ही लड़कियां सोचने समझने के लायक होती हैं, उन्हें कुछ और सिखाया जाए या ना सिखाया जाए, पति की सेवा कैसे करते हैं जरूर सिखाया जाता है। और रही बात शादी की उम्र की, तो सभी को मालूम है कि लड़की की शादी करने की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। बावजूद इसके इस देश में करीब 27% लड़कियों की शादी 18 साल से कम की उम्र में होती है, यानी 3 में से 1 लड़की बालिका वधू है। सीरियल्स वाली नहीं, असली वाली। NFHS 4 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े ये तस्वीर पेश करते हैं। ग्रामीण इलाकों में 31.5% लड़कियों की शादी 18 साल से कम की उम्र में कर दी जाती है, जबकि शहरों में ये रेट 17.5% है। लड़कियों को साक्षर करने के तमाम वादों और नारों के बावजूद नाबालिग लड़कियों की शादी हम नहीं रोक पा रहे। ऐसे में नाबालिग लड़कियों की शादी के बाद यौन संबंधों को क्या रेप के तौर पर देखा जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 11 अक्टूबर को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आइए मानवी से समझते हैं कि इस फैसले से पहले इस पर क्या स्टैंड था और अब फैसला आने के बाद क्या बदल गया है। पहले IPC की धारा 375 के सेक्शन 2 के मुताबिक अगर 15 से 18 साल की पत्नी के साथ यौन संबंध बनता है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा। अब इस धारा से अलग सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध रेप माना जाएगा। अगर पत्नी ने 1 साल के भीतर शिकायत की तो सजा भी हो सकती है। आपके जहन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि ये फैसला क्यों लिया गया। दरअसल देश में पॉस्को कानून है, जिसका मकसद है बच्चों से यौन शोषण के आरोपियों पर नकेल कसना और उन्हें सजा दिलाना। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों का प्रोटेक्शन किया जाता है। वहीं IPC की धारा 375 के सेक्शन 2 में ऐसा नहीं था। अब एक ही देश में बच्चों के साथ शादी से पहले और शादी के बाद दो अलग कानून कैसे हो सकते हैं? इस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई और ये फैसला सुनाया गया। लेकिन मानवी, उन पत्नियों का क्या जो 18 साल से ऊपर हैं? उस सिचुएशन में रेप या नॉन कंसेंशुअल सेक्स, यानी कि अगर एक पति अपनी पत्नी की मर्जी के बिना उसके साथ संबंध बनाता है तो उसे रेप नहीं कहा जा सकता। इस पर अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। शुरुआत में हमने आपको 27% लड़कियों के बारे में बताया था जिनकी शादी 18 साल से कम उम्र में करा दी जाती है। अब देखना यही है कि कोर्ट के इस फैसले का उन लड़कियों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है और साथ ही साथ क्या कोर्ट का ये फैसला बाल विवाह की प्रक्रिया पर रोक लगा पाएगा। हमें इस चीज का भी इंतजार रहेगा कि कब कोर्ट मैरिटल रेप के ऊपर इसी तरीके से कड़ा स्टैंड ले।